नमस्कार, आज हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने का साल्मोनेला टाइफी के बारे में, लेकिन इसे हम कई लेवल पर कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कम्युनिटी मेडिसिन के बेसिस पर और मेडिसिन के बेसिस पर इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेनली यह तीन जगहों पर हमें पढ़ना होता है, जिसको एक जगह हम लेकर के स्टडी करने का प्रयास करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी को कवर करेंगे, इसके बाद हम कम्युनिटी मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कवर करेंगे, वहीं पर हम बात करेंगे फार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से वे इसमें कौन कौन सी मेडिसिंस दी जाती हैं। इसके साथ ही साथ जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, तो सीधे तौर पर हम मेडिसिन के लेवल पर टाइफाइड फीवर की सारी कंडीशंस को एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को एग्रीगेट करने का प्रयास करेंगे, मेडिसिन भी हमारा टारगेट होगा। यह एक इंफेक्शियस डिजीज है, किसकी वजह से होता है यह इंफेक्शियस डिजीज जो टाइफाइड फीवर कही जाती है, ये वाटर के थ्रू वाटर बॉर्न डिजीज जो साल्मोनेला टाइफी और पैरा टाइफी की वजह से होता है। तो इसके दो, खास तौर पर इंडिया में अगर देखा जाए तो 70% मामले टाइफाइड फीवर के साल्मोनेला टाइफी की वजह से होते हैं, थोड़े से मामले 30% तक साल्मोनेला पैरा टाइफी ए के द्वारा होता है, साल्मोनेला पैरा टाइफी बी और सी के मामले इंडिया में नहीं देखे जाते हैं। यह सभी एंटरोबैक्टेरियसी के मेंबर हैं, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग हैं। माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं, साल्मोनेला को देखने की कोशिश करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, जो कि बैसिलस शेप का यहाँ पर नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं ग्राम नेगेटिव ये कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। इसके चारों ओर पेरिट्राइकस फ्लैजेला होते हैं, इसकी कई सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। ये मोटिलिटी दर्शाता है, लेकिन साल्मोनेला गैलिनेरम और पुलोरम वो नॉन मोटाइल होते हैं। इसके स्ट्रक्चर में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एच एंटीजन होता है, इसके सेलवाल की स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ ओ एंटीजन होता है, इसके ओ एंटीजन से ऊपर वी आई एंटीजन होता है। इसमें जो सबसे खास एंटीजेनिक प्रॉपर्टी दर्शाता है, जिसकी वजह से जब भी हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स इसके अगेंस्ट होगा, वो एच एंटीजन होता है। ओ एंटीजन के खिलाफ भी काम होता है, वी आई एंटीजन के खिलाफ भी हमारी बॉडी इम्यूनिटी दर्शाती है। उन सारी चीजों के बारे में आगे हमें डिस्कस करना है जब हम बात करेंगे विडाल टेस्ट की। अभी सिंपल हम इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे मकसद, जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइफाइड फीवर है, यह एक्यूट इलनेस होता है जो फीवर के साथ मिलेगा। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इंडिया में एक और मामले 30% मामले साल्मोनेला पैरा टाइफी ए के द्वारा, यह भी एक बैक्टीरिया जो लेस सीवियर इलनेस को कॉज कराती है। इसके आगे चल करके जब सीवियर फॉर्म होते हैं तो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया फिकोरल रूट से यह हमारी बॉडी में एंटर करता है, और बैक्टीरिया हमारी बॉडी से जब निकलेगा तो फूड या वाटर के थ्रू दूसरे लोगों तक भी स्प्रेड कर जाता है। अब सवाल यह है, माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कौन कौन सी बातें जरूरी है। तो मोर्टेलिटी जो पेरिट्राइकस फ्लैजेला के वजह से होता है, मैंने बताया इसके कुछ एक्सेप्शन हैं जो मोर्टेलिटी नहीं दर्शाते, जिसमें साल्मोनेला गैलिनेरम और पुल्लोरम का नाम आपको ध्यान में रखना है। एक दो बार डीएनबी में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके मामलों में जब कभी भी हमारे पास डायरिया और उससे एसोसिएटेड सिम्टम्स लेकर के कोई पेशेंट आते हैं, हम स्टूल को कल्चर करेंगे तो उस समय कुछ सेलेक्टिव मीडियम का यहां मदद लिया जाता है, जिसमें डीसीए, डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट, एक्सएलडी, ज़ाइलोज, लैक्टोज, डेक्सट्रोज अगार, एसएसए, जिसको साल्मोनेला शिगेला अगार कहते हैं, ऐसे मीडियम की यहां पर हमें मदद लेने को मिलती है। विल्सन ब्लेयर मीडियम, यह भी स्टूल के सैंपल को सेलेक्टिवली अगर हम ग्रो करना चाहते हैं साल्मोनेला टाइफी से रिलेटेड बैक्टीरिया को, तो ये एक स्पेशल मीडिया है जिसके बारे में हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। ये स्पेशल मीडिया स्टूल के सैंपल में बैक्टीरिया है तो उसको सेलेक्टिवली ग्रो करने का मौका देती है। ध्यान रहे, बायोलॉजिकल डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें डीसीए मीडिया या एक्सएलडी मीडिया, ये साल्मोनेला बैक्टीरिया को फीकल मैटर में अगर होंगे तो उसको आइसोलेट करके सेलेक्टिवली ग्रो करने में मौका देते हैं। इसी तरीके से फ्लूइड इनरिचमेंट मीडिया, आप जानते हैं ये लिक्विड मीडिया होगा जिसमें सेलेनाइट एफ ब्रोथ और टेट्राथायोनेट एफ ब्रोथ, इन मीडिया की मदद ली जाती है। ये भी स्मॉल नंबर ऑफ साल्मोनेला को फीकल मैटर में, फूड में या एनवायरमेंटल सैंपल के भीतर ग्रो करने में मौका दे देते हैं। तो इनके लिए इनरिचमेंट मीडिया कौन सा होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ये सारे खास बातें फीकल मैटर में मिले हुए सैंपल के भीतर साल्मोनेला को पता करने के लिए मदद करता है।
ये कई सारे मामलों में H2S का प्रोडक्शन करेगा। आज खास बात यह होगी कि इसकी वजह से इसकी कॉलोनी ब्लैक कलर की नजर आती है। तो यहां पर देखिए, ये XLD मीडिया हो या साल्मोनेला शिगेला अगार मीडिया हो, ये H2S को प्रोड्यूस करता है, इसलिए XLD मीडिया पर इसकी पिंक कॉलोनी होने के बावजूद ये ब्लैक सेंटर के साथ दिखेगा। इसी तरीके से SSA साल्मोनेला शिगेला अगार मीडियम पर भी ये ब्लैक कॉलोनी विद सिल्वर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ये नजर आता है। तो चलते हैं, बात करते हैं साल्मोनेला टाइफी के बारे में। अभी हम साल्मोनेला टाइफी के बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर जो ब्रॉथ है, मैंने आपको बताया कौन सा ब्रॉथ लेंगे, टेट्राथायोनेट ब्रॉथ और सेलेनाइट ब्रॉथ। इस लिक्विड मीडिया में भी इसके ग्रोथ होते हुए देखने को मिलता है साल्मोनेला टाइफी। मैंने आपको बताया यहाँ पर कई सारे इसके स्पीशीज हैं। साल्मोनेला टाइफी हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह टाइफाइड फीवर कॉज करता है। आमतौर पर सभी के सभी साल्मोनेला शुगर को फर्मेंट करते हैं, एसिड और गैस को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन साल्मोनेला टाइफी सबसे ज्यादा अलग है इस मामले में कि यह किसी भी तरीके के गैस को प्रोड्यूस नहीं करता है। ये एनएरोबिक मीडियम में ग्रो करने का प्रयास करता है और किसी भी तरीके के गैस को प्रोड्यूस नहीं करता। हमारे लिए खास बात इस पर इसलिए फोकस करने का है क्योंकि इंडिया जैसे कंडीशन में जहां पर पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, वहां पर 70% मामले टाइफाइड फीवर के साल्मोनेला टाइफी की वजह से ही होते हैं। इसमें मैंने आपको शुरुआत में ही बता रखा है साल्मोनेला के तीन स्पीशीज, जिसमें साल्मोनेला टाइफी 70% मामले टाइफाइड फीवर से एसोसिएटेड होता है। पैराटाइफी ए 30% मामलों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बी या सी जैसे मामले जो दूसरे कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, यहां पर टाइफाइड फीवर से पैराटाइफी बी और सी का एसोसिएशन नहीं देखा गया है। साल्मोनेला टाइफी के बारे में अब थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कॉजेस तो आपको पता ही है, डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे और बाकी सारी चीजें, इसका किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे, उन सारी चीजों पर भी बात करेंगे। साल्मोनेला टाइफी एक्चुअल में फीको ओरल रूट से हमारी बॉडी में एंटर करता है। इसकी जो सबसे खास बात यह होती है कि हमारे वाटर बॉर्न डिजीज है, आप समझ सकते हैं फीको ओरल रूट से पानी में जो गंदगी होती है उसके साथ, देखिए ये साल्मोनेला टाइफी हमारी बॉडी में पहुंचता है। इन्फेक्टिव डोज कितना होता है, 10^2 से लेकर 10^5 बैक्टीरिया तक अगर होगा तो ये हमारे बॉडी में टाइफाइड फीवर करा सकता है। इसकी वजह से होगा क्या, यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद यह हमारे इंटेस्टाइन के म्यूकोसा को पेनेट्रेट कर देता है। आप यहां पर देख सकते हैं ये इंटेस्टाइन को पेनेट्रेट करता है, उसके बाद ये पेयर्स पैचेस यहां पर होते हैं, आप जानते हैं पेयर्स पैचेस होते हैं, वहां तक ये पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटेस्टाइन में पहुंच करके लोकल लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है और उसके बाद ये ब्लड के रूट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाता है। तो ब्लड के रूट से जब ये पहुंचेगा तो बैक्टीरिया होगा और स्प्लीन में पहुंच जाता है, लीवर में पहुंच जाता है, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में पहुंच सकता है, स्किन के लेवल तक पहुंच सकता है। इसकी वजह से रैशेस हमारे बॉडी पर देखने को मिल सकते हैं। तो यह स्प्लीन लिम्फ नोड को तो इन्वॉल्व करता ही है, लीवर, इन सारी चीजों तक पहुंचेगा। इसके अलावा यह जब पहुंचता है तो हमारी बॉडी की डिफेंसिव मैकेनिज्म इसे किल करने का प्रयास करती है, लेकिन जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में होता है, बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को नहीं मार पाती, ऐसे मैक्रोफेजेस इसे किल करने का प्रयास तो करते हैं लेकिन इसे किल नहीं कर पाते हैं। जब कभी भी हमारे पास पेशेंट आएगा तो फीवर और बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स के साथ आएगा, आप टंग पर देखेंगे तो व्हाइट कोटिंग भी नजर आएगी। एक बार तेजी से इमेजिन करने का प्रयास करते हैं क्या क्या होता है टाइफाइड फीवर में। रूट मैंने आपको बताया फीको ओरल रूट से इन्फेक्टिव डोज पूछा गया है, याद रखना है 10^2 से 10^5 बैक्टीरिया तक। यह स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहां के म्यूकोसल लेयर को पेनिट्रेट करता है और उसके बाद पेयर्स पैचेस तक वहां पहुंच जाता है। आप जानते हैं जब कभी भी इसकी एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है तो इसमें एक से ज्यादा एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और वो भी कम से कम 2 वीक्स के लिए। क्यों दिए जाते हैं, इतना स्ट्रांग लेवल पर एंटीबायोटिक थेरेपी देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, 2 वीक्स या उससे कहीं ज्यादा भी देना पड़ सकता है। इसमें इंजेक्टेबल रूट से एंटीबायोटिक्स देने की रिकमेंडेशन दी जाती है, क्यों, क्योंकि यह ऐसा बैक्टीरिया है जैसे ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया होता है वैसे ही लगभग, ये भी बदमाश होता है, ये करता क्या है, उस चीज को देखा जा सकता है। यह एक्चुअल हमारे बॉडी में एंटर करता है, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म अगर इसे किल करने का प्रयास करे जैसे मैक्रोफेजेस तो उसके भीतर भी ये बच जाता है। अब देखें ये हमारे बॉडी में लीवर में पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पर ये पेनिट्रेट करता हुआ भीतर गया। यहां पर देखिए मैक्रोफेजेस बॉडी के दूसरे सेल्स भी हैं, यहां पर न्यूट्रोफिल्स भी हैं, डेंड्राइटिक सेल्स भी हैं, उनसे बचता हुआ ये ब्लड में आ जाता है। ब्लड में आने के बाद ये लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर लेता है।
अब देखें लिम्फ नोड्स, इसके अलावा स्प्लिन को इन्वॉल्व कर लेता है, ये लीवर को इन्वॉल्व कर लेता है, और वहां पर भी मैक्रोफेजेस, देखिए इसको मैक्रोफेजेस किल नहीं कर पा रहे हैं, मैक्रोफेजेस के भीतर ये पड़ा रहता है। इस तरीके से ये अपने सर्वाइवल को मेंटेन करते हुए बॉडी में लंबे समय तक पड़ा रह सकता है। सबसे पहले ये कहां जाता है, म्यूकोसल लेयर को, इंटेस्टाइन के म्यूकोसल लेयर को पेनिट्रेट करके उसी के पास जो लोकल लिम्फ नोड्स होंगे उसको इन्वॉल्व करेगा, खास तौर पर पेयर्स पैचेस को। और उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये वहां भी बच जाएगा, ब्लड में पहुंचेगा, ब्लड में आने की वजह से आप समझ सकते हैं बैक्टीरिया की कंडीशन होगी। उसके बाद इस दौरान अगर इसे देखा जाए तो काफी हद तक ये निजेरिया के जैसा या फिर आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के जैसा इंट्रासेलुलरली मैक्रोफेजेस के भीतर इसकी प्रेजेंस आप देख पाएंगे। निजेरिया के भीतर जैसा आपने देखा था वैसे ही यहां पर ये ट्यूबरक्लोसिस के जैसे मामलों में जैसा इंट्रासेलुलरली वो बच करके पड़े रहते ऐसे ये भी होता है, और ये धीरे धीरे उन ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है जहां पर इसे आप आमतौर पर देखते हैं, स्प्लिन। इसी वजह से स्प्लिनोमेगाली की कंडीशन होगी, लिम्फ नोड्स स्वेल किए होंगे, हिपेटोमेगाली हो, यहां तक कि मैक्रोफेजेस के भीतर पड़ करके ये कहीं ना कहीं सुरक्षित बना रहता है, और मैक्रोफेजेस के साथ ही ये पूरी की पूरी बॉडी में ट्रेवल कर जाता है। तो ये फैगोसाइटोस्ट बैसिलाई मैक्रोफेजेस के भीतर पड़ा रहते हुए बहुत सारे ऑर्गन्स में पहुंचेगा, लीवर तक पहुंच जाता है, और लिम्फेटिक्स, स्प्लीन, यहां तक कि ब्रेन तक को ये इन्वॉल्व कर सकता है। स्टेटमेंट ऐसे ही मिलेगा, ये फैगोसाइटोस्ट बैसिलाई ट्रेवल करता है कहां तक, हमारी पूरी पूरी बॉडी में मैक्रोफेजेस के साथ, और होता हुआ मैक्रोफेजेस के भीतर होता हुआ लिम्फेटिक्स और रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम तक को इन्वॉल्व कर लेता है। एम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, साल्मोनेला टाइफी इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, ये बात तो आप जानते हैं, इसमें इन्फेक्टिव डोज कितना होना चाहिए, इन्फेक्टिव डोज ऑफ साल्मोनेला टाइफी, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। एक बैसिलाई, दूसरा 10 to the power 8 to 10 to the power 10 बैसिलाई, तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा ऑप्शन था हमारे पास 10 to the power 2 to 10 to the power 5 बैसिलाई। अब जानते हैं यूटीआई के लिए कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है जब इकोलाई के बारे में स्टडी कर रहे थे, वहां पर मोर देन 10 to the power 5 बैसिलाई होना चाहिए, लेकिन कुछ उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। इसके अलावा 1 to 10 बैसिलाई भी चौथा ऑप्शन के रूप में एम्स में दिया गया था। आप जानते हैं यहां पर सी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा, 10 to the power 2 to the power 5 बैसिलाई। तेजी से चलते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, तो आप जानते हैं फीवर एक बड़ा इसका क्लिनिकल फीचर होता है, अगर ये साल्मोनेला टाइफी की वजह से होगा तो उसे टाइफाइड फीवर कहते हैं, पैरा टाइफी की वजह से होगा तो स्पेसिफिक टर्म पैरा टाइफाइड फीवर कहते हैं, लेकिन अगर दोनों की वजह से है तो एंट्रिक फीवर का नाम दिया जाता है। यह हमारी बॉडी में किस तरीके से एंटर और कब इसके क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे, उन सारी चीजों को देख लेते हैं। ये हमारे फीको ओरल रूट से हमारे देखें, ये डाइजेस्टिव ट्रैक में पहुंचता है, इस लोकेशन को दर्शाने की कोशिश किया गया है। साल्मोनेला टाइफी ये एपिथेलियल सेल्स के बीच से होते हुए ये इलियोसिकल एरिया वाले लेवल पर वहां पहुंचता है, वहीं पर मल्टीप्लाई करता है और ये वायबल रहता है इवन जब इसे मैक्रोफेजेस इंगल्फ कर लेते हैं। इतना ही नहीं, उसकी वजह से ये सुरक्षित भी पड़ा रहेगा, इंट्रासेलुलरली वो मल्टीप्लाई करता रहेगा, ये पहुंच करके रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स तक। वहीं पर बॉडी को जब पता चल जाता है कि इस तरीके का कोई आया हुआ बाहर से बैक्टीरिया है, तो हमारी बॉडी में क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स सेप्सिस के, क्योंकि हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट लड़ना भी चाहती है, लेकिन ये इतना खतरनाक होता है कि हमारे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम और उसके भीतर पाए जाने वाले मैक्रोफेजेस के भीतर ये लगातार मल्टीप्लाई करता रहता है। बॉडी में इस तरीके के चेंजेस होंगे, जो लिम्फाइड टिश्यू होंगे खास तौर पर मेसेंट्रिक लिम्फाइड टिश्यू, वहां पर भी हाइपरप्लास्टिक चेंजेस होंगे, इसकी वजह से आप समझ सकते हैं वहां पर एब्डोमिनल पेन के फीचर्स होंगे। कई बार ऐसा होगा ये मामला काफी बढ़ जाता है जिसकी वजह से वहां हेमरेजेस परफोरेशन आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से ये गॉल ब्लैडर लीवर तक पहुंच जाता है, कई बार ये लिम्फाइड टिश्यू मैंने आपको बताया ना पूरी बॉडी में घूमता रहता है, लीवर में पहुंच गया, उसके अलावा गॉल ब्लैडर में पहुंच जाए, गॉल ब्लैडर में पड़ा रहेगा, लंबे समय तक पड़ा रह सकता है। क्रोनिसिटी इसी वजह से होती है क्योंकि गॉल ब्लैडर में पड़ा हुआ वहीं लंबे समय तक ग्रो करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए स्टूल में लगातार पहुंचता रहा। टाइफाइड मैरी की जो स्टोरी थी इसी वजह से थी क्योंकि उनके गॉल ब्लैडर में लंबे समय तक वो मल्टीप्लाई करता रहा, उनको सिम्टम्स नहीं थे लेकिन वो बहुत सारे लोगों को टाइफाइड फीवर का
एक सोर्स बनकर के बहुत सारे लोगों तक टाइफाइड फीवर फैलाते रहती चली गई। टाइफाइड मैरी की जो हिस्टोरिकल स्टोरी है वो आपको याद होगा ही। यहाँ पर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर लेते हैं, कितने समय तक ये मल्टीप्लाई करता हुआ हमारी बॉडी में साइन और सिम्टम्स इसके देखने को मिलने लगेंगे। 10 to 14 days याद रखिएगा, 2 weeks प्लस माइनस उसका याद रखिएगा, 2-3 दिन आगे पीछे का, क्योंकि ऑप्शन में कई बार 10 to 14 days नहीं दिया गया होगा। आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से इसका आंसर करना है। तो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रोलॉन्ग फीवर रहेगा पर्सन को स्टेप लैडर पैटर्न में, क्योंकि धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके जैसे जैसे हमारी बॉडी में फैलता जाएगा। पैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम इसके साथ लड़ती रहेगी और इसी वजह से स्टेप लैडर लगातार ये बढ़ता रहेगा, कभी भी बेसलाइन को टच नहीं करेगा, इसीलिए इसे स्टेप लैडर पैटर्न कहते हैं। हेडेक होगा, माइल्जिया होगा, मसल्स में पेन होगा, स्वेटिंग होगा, एनोरेक्सिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, आप समझ सकते हैं, अनइजीनेस होगा, नौजिया होगा, डायरिया होगा, कोटेड टंग होंगे, ये सारी चीजें हमने आपको बता रखा है। ये स्प्लीन में पहुंच गया, लीवर में पहुंच गया, तो उन ऑर्गन्स के इनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑल इंडिया नीट में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, पी सूप स्टूल इज कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन, तो कॉलेरा उसका ऑप्शन था, कॉलेरा नहीं होता है। आप जानते कॉलरा में राइस वाटर स्टूल होता है, टाइफाइड में पी सूप लाइक स्टूल होता है, बॉटुलिज्म, तो बॉटुलिज्म में आपको पता है वहां पर एब्डोमिनल पेन और कॉन्स्टिपेशन के साथ उसकी प्रेजेंस मिलती है। पोलियो में भी वहां पर डायरिया जैसी कंडीशन तो होती है, लेकिन सीधे तौर पर इस तरीके का पैटर्न नहीं होता। पी सूप स्टूल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो टाइफाइड के लिए टर्म दिया जाता है। कम्युनिटी मेडिसिन में ये टर्म कई बार आप सुनने को पाएंगे। राइस वाटर लाइक स्टूल किसका होता है, कॉलेरा का। ये कम्युनिटी मेडिसिन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाती है और वहां पर हमें आंसर करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए बॉटुलिज्म के मामलों में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ डायरिया की प्रेजेंस मिलेगी। पोलियो में भी कंडीशंस ऐसी होती, लेकिन बहुत स्पेसिफिक फाइंडिंग जैसा नहीं होता है। फिजिकल फाइंडिंग क्या होगा, मैंने आपको बताया पूरी बॉडी में फैल गया, हमारे स्किन तक भी इसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे रोज स्पॉट्स के रूप में। ये इसमें इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया की प्रेजेंस मिलेगी। क्वेश्चन जो हिस्ट्री दिया जाएगा उसमें रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया के साथ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात कही जाएगी। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स या फिर जो इंटेस्टाइनल लिम्फ नोड्स पेयर्स पैचेस में ये पाया जाता है, वहीं पर नेक्रोसिस करा करके जीआई ब्लीड करा सकता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन करा सकता है, ब्रेन में पहुंच जाए या नर्व्स को इन्वॉल्व कर न्यूराइटिस करा सकता है, आसपास के जो भी स्ट्रक्चर जहां कहीं भी ये पहुंचेगा, पैंक्रियाटाइटिस भी करा सकता है या हेपेटिक एब्सेस तक करा सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड आपको मैंने बताया 10 to 14 days। एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें सीधे इस तरीके के ऑप्शन नहीं दिए गए थे। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ साल्मोनेला टाइफी के बारे में बात तो कहा गया था, लेकिन सीधे तौर पर ऑप्शन 10 to 14 days नहीं दिया गया था। अब आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की बेसिस पर आंसर देना था, क्या 2 to 5 days हो सकता, नहीं। इसके लिए क्या 3 to 21 days हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि 10 to 14 days इसके बीच में आ जाएगा। देखते हैं क्या 14 to 25 days, तो आप देख रहे हैं 10 टू 14 डेज हमने बोला था, तो इसलिए ये ऑप्शन हो तो सकता है, लेकिन हमें बी या सी में से सोचना होगा। 0 टू 60 डेज हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। 60 डेज के बाद इतना लंबा इंक्यूबेशन पीरियड भी पॉसिबल नहीं, तो बी और सी में से सोचना होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है 3 to 21 days, इसमें से रिलेटिवली जो करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है वो 3 to 21 days का ही बन रहा है। सवाल यह भी है कि एंट्रिक फीवर या टाइफाइड फीवर में डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, तो शुरुआती दौर में या फीको ओरल रूट से जब पहुंचता है तो ये ब्लड के थ्रू बाकी सारे ऑर्गन्स में पहुंचेगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वीक है, आप कुछ इस तरीके से बासु का कोड बना करके याद करेंगे। इसमें सबसे शुरुआती मामले होते हैं ब्लड में डायरेक्टली ये बैसिलाई आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी इसका पता लगाना, तो आपको ब्लड का कल्चर करना पड़ेगा, क्योंकि बैसिलाई ब्लड के भीतर प्रेजेंट होगा। उसके बाद ब्लड में है तो हमारी बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म भी काम करेगा, वह इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने शुरू कर देगा। तो
एंटीबॉडीज भी बनाने लगेंगे हमारी बॉडी। अब सवाल यह है, क्या इस एंटीबॉडी की प्रेजेंस को हम पता कर लें? तो यह पता तो चल ही जाएगा ना कि ये जो एंटीबॉडीज बन रहे हैं वो ब्लड में बैसिलाई के अगेंस्ट बन रहे हैं, तो इससे हम एंटीबॉडीज की मदद से इनडायरेक्टली बैसिलाई का अनुमान लगा सकते हैं ब्लड में वो होगा। तो इसलिए फर्स्ट वीक में आपको ब्लड का कल्चर कराना चाहिए, तभी आपको मिल पाएगा जानकारी। सेकेंड वीक में आप एंटीबॉडीज के वो डिटेक्ट करके पता लगा सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे ये हमारी बॉडी में घूमता टहलता हुआ एक बार फिर से हमारे लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करेगा। क्या करेगा? हमारे लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करेगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचते हुए ब्लड के रूट से एक बार फिर से ये हमारे जो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स होंगे वहां तक पहुंचेगा। वहां पर पहुंच करके मल्टीप्लाई करता हुआ शेड होता रहेगा फीकल मैटर में। तो फीकल मैटर में अगर ये पहुंच गया तो आप इस तरीके से कह सकते हैं अगला इसका टारगेट जो हम देख सकते हैं, जहां से इसके बारे में पता लगा सकते हैं, वो स्टूल का सैंपल होगा जो थर्ड वीक में हमारे लिए बेहतर जानकारी दे सकता है। आप समझ सकते ना, ये घूमते टहलते हुए ब्लड में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जैसे जैसे आता जाता रहता है, ये अल्टीमेटली मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स में पहुंच जाता है। वहां से मेसेंट्रिक लिम्फ नोड से यह धीरे धीरे करके शेडिंग होता रहता है फीकल मैटर में थर्ड वीक या उसके बाद आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंस फीकल मैटर में देख सकते हैं। इस तरीके से थर्ड वीक में अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टूल सैंपल के लेवल पर अगर आप काम करें तो सबसे आसानी से पता कर सकते। इसी तरीके से फोर्थ वीक में अगर जानना चाहते हैं तो यूरिन में अभी इसकी प्रेजेंस आ चुकी होगी, यूरिन कल्चर करा करके इसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। अभी तक जो हमने आपको बताया, फर्स्ट वीक हो चाहे सेकेंड वीक हो चाहे थर्ड वीक हो फोर्थ वीक हो, ये आसानी से कैसे डायग्नोसिस बनाई जा सकती है उसको लेकर के कहा गया। अगर आइडियली आपसे कहा जाए बेस्ट मेथड आइडियली कौन सा हो सकता है जिसमें आप साल्मोनेला टाइफी के बारे में अनुमान लगा सके, तो बेस्ट के रूप में आपको ब्लड का ही ऑप्शन लेना होगा चाहे किसी भी वीक का मामला हो। एम्स में एक बार इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलते हैं, लैबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, किस हफ्ते में, वीक्स ऑफ डायग्नोसिस, ये WEEK है, और डायग्नोस्टिक मेथड क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट वीक में ब्लड का कल्चर कराना होगा, सेकंड वीक में विडाल टेस्ट जो कि एंटीबॉडी डिटेक्शन के साथ हम पता करते हैं, थर्ड वीक में हम क्या करेंगे स्टूल का कल्चर कराएंगे, फोर्थ वीक में हम क्या कराएंगे यूरिन का कल्चर करा सकते हैं। ये आसान मेथड है ब्लड का कल्चर, जो हम पहले हफ्ते में यही एकमात्र ऑप्शन है। तो ओवरऑल अगर कहें पहले हफ्ते में तो एकमात्र ऑप्शन यही है ही, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर कहीं बेस्ट ऑप्शन आपको कहा जाए तो बेस्ट ऑप्शन ओवरऑल डायग्नोसिस के लिए ब्लड कल्चर ही होता है। पहले हफ्ते में पॉजिटिविटी आप जानते एकमात्र यही सोर्स होगा, मोर देन 90% मामलों में यह पॉजिटिव मिल जाएगा। सेकेंड वीक्स तक यह बॉडी के डिफरेंट लिम्फ नोड्स ऑर्गन्स तक पहुंच चुका होगा, इसलिए ब्लड में इसकी प्रेजेंस 85% मामलों में ही आपको पॉजिटिव मिल पाएगा। थर्ड वीक में पॉजिटिविटी और कम चुकी हो चुकी होती, ये मेसेंट्रिक लिम्फ नोड तक पहुंच चुका होता है, इसलिए वहां पर अब ब्लड में इसके मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इसमें सवाल पूछा गया है कि अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी एंटीबायोटिक थेरेपी ले रहे हैं तो फिर हम कहां पर पता कर पाएंगे, बासू का कोड तो यहां काम नहीं कर पाएगा। तो उस समय अगर वो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो ब्लड में या बॉडी के दूसरे पार्ट्स में नहीं मिलेगा, ऐसे मामलों में हमें बोन मैरो का कल्चर कराने की जरूरत होती है, क्योंकि बैक्टीरिया बोन मैरो के भीतर उस समय भी पाई जाएगी जब ब्लड में एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट की वजह से नहीं पाया जाएगा, बहुत लंबे समय तक ये बोन मैरो में पड़ा रहता है। तो इसीलिए अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के रूप में इसको देखना चाहते हैं, एंटीबायोटिक्स कोई पेशेंट ले चुके हैं उसके बावजूद भी आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहते हैं, तो आप एंटीबायोटिक्स दिए गए पेशेंट के लेवल पर भी आप चाहें तो बोन मैरो के कल्चर को ले सकते हैं। ऑल इंडिया नीट में एक बार क्वेश्चन यही पूछा गया था कि एक पेशेंट है जो टाइफाइड डायग्नोसिस की गई है 15 डेज के बाद, फीवर आने के 15 डेज के बाद, अगर उसमें टाइफाइड की डायग्नोसिस करनी है तो बेस्ट टेस्ट कौन सा हो सकता है? दो हफ्ते हो चुके हैं, इस बात समझिए, 15 डेज ऑफ ऑनसेट ऑफ फीवर, बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, ब्लड का कल्चर, दूसरा विडाल, विडाल के बहुत सारे मामले फाल्स भी आते हैं, फाल्स पॉजिटिव भी होगा फाल्स नेगेटिव भी होगा, तो इसलिए बेस्ट की बात करें तो हम नहीं ले सकते। स्टूल के कल्चर के मामले अगर हैं तो थर्ड वीक में होगा, अभी सेकंड वीक का मामला है, यूरिन कल्चर भी फोर्थ वीक में होता है। तो अगर बेस्ट की बात कहा जाए ओवरऑल, तो आप जानते हैं ब्लड कल्चर ही हमारा बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। ऑल इंडिया में पूछा गया एक बार का क्वेश्चन, ट्रू रिगार्डिंग साल्मोनेला, यहां पर ऑप्शन क्या दिया गया था, ऑल इंडिया नीट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन, यूरिन कल्चर पॉजिटिव